गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज फिर मैं हाजिर हूँ और वीडियो का एक और पार्ट लेके, एडवर्ब पार्ट टू। एडवर्ब पार्ट वन में हमने आपसे काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में बात की है। काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स हमने कहा था, काइंड्स ऑफ एडवर्ब को दो तरह से बांटा गया है। एक पहला था ऑन द बेसिस ऑफ यूज और एक दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, यानी एक प्रयोग के आधार पर और दूसरा था अर्थ के आधार पर। ध्यान दीजिएगा, प्रयोग के आधार पर एक था हमारा सिंपल एडवर्ब, दूसरा था इंट्रोगेटिव एडवर्ब और तीसरा था रिलेटिव एडवर्ब। और ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग के आधार पर एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर को ही हम लोगों ने एक तरह से इसको स्टेट भी कहा या क्वालिटी। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी को ही हम लोगों ने एक्सटेंट भी कहा। एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, फिर हमने कहा एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ रीजन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एडवर्ब ऑफ निगेशन। अगर हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर के ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, मीनिंग के आधार पर एडवर्ब की संख्या कितनी है, 9 प्रकार की। तो हमने आपसे कहा था कि भाई इसके बारे में तो हमने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया, हमें इसके बारे में पढ़ना है यानी मीनिंग में कि कौन कौन से एडवर्ब किस किस एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम यहां बात करें तो हम लोग ऐसे बात करेंगे कि सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, सिंपल एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री, सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन, सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, फिर सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लस, फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। यानी इस तरह से हम लोग पहले सिंपल के 9 टाइप्स, फिर इंट्रोगेटिव के 9 टाइप्स, फिर रिलेटिव के 9 टाइप्स, यानी इस तरह से हम लोग अलग अलग करके इनको, इनका अध्ययन करेंगे और इनकी पहचान करेंगे। ठीक, तो पहले इसको आप लिख लीजिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, अब एडवर्ब ऑफ टाइम में
सबसे पहले सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत कौन कौन से एडवर्ब आते हैं, ठीक, तो लिखिएगा सभी लोग, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत जैसे टुडे, टुमारो, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, क्या आता है एगो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली, लेट, लेटली, लेट, लेटली, रिसेंटली, इटीसी आदि एडवर्ब्स आते हैं। यानी एडवर्ब ऑफ टाइम में जो पहला है सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक, उसमें टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, एगो, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली या लेट, लेटली, रिसेंटली, मतलब जो टाइम से रिलेटेड वर्ड है ये सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं। अगर हम बात करें कि इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत व्हेन, हाउ लॉन्ग, व्हेंस आदि आते हैं। इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत व्हेन, हाउ लॉन्ग या व्हेंस आदि आते हैं। आप जानते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य के प्रारंभ में होता है, यानी जब ये व्हेन या व्हेंस या हाउ लॉन्ग क्या हो वाक्य के प्रारंभ में हो, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा हो तो इंट्रोगेटिव कहलाएगा, और अगर दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है तो रिलेटिव कहलाएगा। तो दोनों में ये है, यानी इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम और रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम, दोनों में व्हेन, हाउ लॉन्ग और व्हेंस ये आते हैं। तो यानी इनको पहचान लीजिएगा, ये सभी हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, जिसमें एक है आपका सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम और दूसरा और तीसरा है इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। दूसरा है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थान से रिलेटेड कौन कौन से एडवर्ब होते हैं। तो अगर इसमें बात करें तो पहला तो हमारा हो गया सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लस। तो सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लस के अंतर्गत हेयर, देयर, इन, आउट, इंडोर्स, आउटडोर्स, हेयर, देयर, इन, आउट, इंडोर्स, आउटडोर्स, अवे, फॉर, अवे, फॉर, नियर आदि, इटीसी आदि एडवर्ब्स आते हैं, आदि एडवर्ब्स आते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सिंपल एडवर्ब ऑफ
प्लस, यानी वो एडवर्ब जो स्थान के बारे में बताते हैं, स्थान को सूचित करते हैं, वो हमारे सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लस है। अब इसमें आते कौन कौन से हैं, तो हेयर, देयर, इन, आउट, इंडोर्स, आउटडोर्स, अवे, फार, नियर, जो हम लोग ये यूज करते हैं, ये सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लस होते हैं। अगर हम दूसरे में कहें कि इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब ऑफ प्लस, ठीक, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब ऑफ प्लस में कौन कौन से एडवर्ब आते हैं, तो इसमें एक आता है आपका वेर और एक होता है फ्रॉम वेर, ठीक। तो ये दोनों हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव दोनों में आते हैं। बस ये वेर जब वाक्य के प्रारंभ में होता है तो इंट्रोगेटिव होता है, और अगर दो वाक्यों को जोड़ता है तो रिलेटिव होता है। नोट करिए, तीसरा है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर, और इसी नंबर को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, ठीक, या फ्रीक्वेंसी, इसके अंतर्गत कौन कौन से एडवर्ब आते हैं, तो सिंपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत वंस, twice, thrice, once, twice, thrice, seldom, seldom, always, rarely, scarcely, अगेन, रेयरली, स्कैसली, अगेन, आदि एडवर्ब्स आते हैं, आदि एडवर्ब्स आते हैं। देखिए बात नंबर और फ्रीक्वेंसी की है, तो जो नंबर या संख्या बताते हो या फ्रीक्वेंसी बताते हो, तो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेल्डम, ऑलवेज, रेयरली, स्कैसली, अगेन, तो इनको याद रखिएगा कि ये हमारे कहलाते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ नंबर, या इन्हीं को हम कहते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। अब दूसरी बात करें जैसे इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, इंट्रोगेटिव या रिलेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, तो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत हाउ मैनी, इसके अंतर्गत हाउ मैनी, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, ये आपका कहलाता है इंट्रोगेटिव या रिलेटिव एडवर्ब ऑफ नंबर। नोट करिए, चलिए अगला हमारा है एडवर्ब ऑफ मैनर या क्वालिटी या स्टेट। अब जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें कि सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत कौन कौन से एडवर्ब आते हैं, तो जैसे मान लीजिए कह दें दस, सो, दस, सो, बैडली, ब्यूटीफुल्ली, फास्ट, दस, सो, बैडली, ब्यूटीफुल्ली, फास्ट, केयरफुल्ली, क्या है, केयरफुल्ली, फ्लुएंटली, केयरफुल्ली, फ्लुएंटली, आदि एडवर्ब्स आते हैं। देखिए मैनर का मतलब होता है तरीका, ढंग,
ठीक, तो दस, सो, बैडली, ब्यूटीफुल्ली, फास्ट, केयरफुल्ली, फ्लुएंटली, ये सभी हमारे क्या है, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर है। अच्छा, यही अगर हम आपसे बात कर लें कि इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक, यानी इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो इसके अंतर्गत दो हैं, एक है हाउ और एक है इन व्हाट वे, ठीक, ये दो हमारे एडवर्ब हैं जो इंट्रोगेटिव या रिलेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर के अंतर्गत आते हैं, यानी हाउ और इन व्हाट वे। बाकी दस, सो, बैडली, ब्यूटीफुल्ली, ठीक है, केयरफुल्ली, ये सब हमारे क्या है, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर है। देखिए, इनकी पहचान बहुत जरूरी है, जब तक आप इनको पहचानेंगे नहीं तब तक, जैसे अभी इसके बाद हम टॉपिक बात करेंगे प्लस को लेकर के, तो हम कहेंगे कुछ फ्रंट में आते हैं, कुछ मिड में आते हैं, कुछ इन में आते हैं, कौन कौन से फ्रंट में आते हैं, तो मैंने कह दिया एडवर्ब ऑफ मैनर जो है ये वाक्य के बीच में आता है या वाक्य के अंत में आता है, तो अब आपको इसमें ये देखना पड़ेगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर है कौन से, तब इनका हम यूज कर पाएंगे। तो इनकी पहले पहचान कर लें, उसके बाद फिर आगे इनके रूल्स के बारे में बातें होती हैं, ठीक, इसको नोट करिए। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या एक्सटेंट, अच्छा इसी में अगर हम कह लें डिग्री, दोनों लगभग नियरली एक जैसे ही हैं, बहुत ज्यादा इनमें अंतर नहीं होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कह लें, एक्सटेंट कह लें, या इसी को ही एडवर्ब ऑफ डिग्री भी कह लें, तो गलत नहीं होगा, यानी हम शामिल कर लेते हैं। जैसे बात आती है कि सिंपल एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक, सिंपल एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो सिंपल एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत जैसे टू है, ये डिग्री में भी है, ठीक है, वेरी है, मच है, ठीक, टू, वेरी, मच या क्वाइट, क्या है, क्वाइट है, इनफ है, तो टू, वेरी, मच, क्वाइट, इनफ, या मान लीजिए कह दें सफिशियंटली, क्या है, सफिशियंटली या कंप्लीटली, कंप्लीटली, हॉली, कंप्लीटली, हॉली या फेयरली, कौन से, फेयरली या रेदर, ठीक, इटीसी, ये सभी हमारे कहलाते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या सिंपल एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट या सिंपल एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब बात आती है दूसरे में कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत कौन कौन से एडवर्ब आते हैं, तो देखिए इसके अंतर्गत जैसे हाउ मच, ठीक, या हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ मैनी, नंबर में हाउ मैनी टाइम्स है और यहां क्या है, हाउ मैनी है, तो हाउ मच, हाउ मैनी या हाउ फार, हाउ फार, ठीक, या मान लीजिए अगर हम कह दें कि टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट आदि एडवर्ब्स आते हैं, ठीक, तो ये इंट्रोगेटिव या रिलेटिव एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी है,
हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ फार, टू व्हाट एक्सटेंट, ये सब हमारे क्या है, यानी एक तरह से क्वांटिटी कह सकते हैं या डिग्री भी इनको हम कह लेते हैं। चलिए तो अगला हमारा है एडवर्ब ऑफ रीजन, मतलब कारण बताने वाले। तो सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन में अगर हम बात करें तो एक तो हमारा हो गया देयरफॉर, ठीक, एक देयरफॉर हो गया, एक हो गया इन, ऑर्डर टू आदि, ठीक। तो देयरफॉर, इन ऑर्डर टू, ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। अगर हम इसी में इंट्रोगेटिव या फिर रिलेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन की बात करें तो इसके अंतर्गत केवल एक आता है और वो है हमारा वाई, ठीक। तो ये हमारे हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ रीजन, देयरफॉर, इन ऑर्डर टू, और इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब ऑफ रीजन हमारे क्या है, वाई है। चलिए अगला है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक। अब अफर्मेशन में अगर हम कहें तो सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत कौन कौन से एडवर्ब आते हैं, तो एक तो इसमें आता है यस, दूसरा इसमें होता है श्योरली, एक होता है सर्टेनली आदि, मतलब ये सभी हमारे क्या है, सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। अगर यही हम बात कर लें इंट्रोगेटिव और या फिर रिलेटिव एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक, यानी इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन इसके अंतर्गत, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत कोई भी एडवर्ब नहीं आता है, यानी इसमें केवल सिंपल एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होता है, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नहीं होता है। चलिए अगला है और लास्ट है एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो एडवर्ब ऑफ निगेशन में अगर हम कहें तो सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत नो, नॉट, नेवर, ये है नो, नॉट, नेवर, जो हमारे कहलाते हैं सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन। और अगर यही हम बात कर लें इंट्रोगेटिव तथा रिलेटिव एडवर्ब ऑफ निगेशन में कोई भी एडवर्ब नहीं आते हैं, ठीक, यानी इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब ऑफ निगेशन होता ही नहीं है, केवल होता है सिंपल एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो ये था आपका कुल एडवर्ब के पार्ट, सबको अलग अलग मैंने कैटेगराइज कर दिया। तो इसको आप कम से कम एक दो बार वीडियो जरूर देखिए ताकि ये आपको पहचान हो जाए कि कौन सा एडवर्ब किसके अंतर्गत आता है, ठीक, इसको नोट करिए। तो ये था आपका यानी काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के कुल कितने पार्ट हैं, लगभग मैंने सभी को अलग अलग कैटेगराइज कर दिया है और सभी में कौन कौन से एडवर्ब आते हैं ये भी बात हो गई है। अब इसके बाद जहां से हमें चलना है, ये अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोगों का होगा पोजीशन ऑफ एडवर्ब, ठीक। तो ये आपका था काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ठीक है। तो इस वीडियो को आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को भी इसको जरूर शेयर करिए ताकि वो भी यानी इसका लाभ उठा सकें, वो भी घर पर बैठ करके यानी पढ़ सकें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।